मेरे पास वीवो का X2T 5G और मैं इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये 10 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि मैंने 21 तारीख को ही ऑर्डर किया था। और इसका देखते हैं डिटेल में क्या क्या है। मुझे ये 12,999 रुपये का ये पड़ा है। और अभी इसका फ़ोन का भी देखने वाले हैं कैसा है फ़ोन। अभी देखते हैं फ़ोन के साथ साथ क्या क्या मिलता है। और ये रहा फ़ोन, क्योंकि इसका लुक बहुत ही प्रीमियम है, वेसम लुक है। और ये बिल्कुल सेम ही है T2 जैसा, लेकिन इसका T2X बोला गया है, पता नहीं कंपनी का क्या क्या नाम होता है। तो ये है T2X 5G जो कि 16 GB रैम, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल के साथ आता है। वैसे तो आता है 4 GB रैम 128 GB इंटरनल के साथ, लेकिन ये 6/128 है। और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट है, इसे कैसे चार्ज में लगाना है, कैसे क्या है इसका ड्यूल सिम का। और ये है डॉक्यूमेंट कि आप वीवो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, वारंटी कार्ड है ये जो कि इस तरह का है। और इसमें ऐसे ही लोग तो पढ़ते नहीं हैं। और इसके साथ आता है 32 वाट का चार्जर, जो कि अच्छा ही है, लेकिन उसे और भी फास्ट चार्जर देना चाहिए था। जैसे T1 में दिया गया था 44 वाट का, वो भी होता तो बहुत ही अच्छा था। और इसके साथ केबल है और बस के इसके साथ सिम निकालने के लिए इसका स्टे दिया हुआ है। और अभी हम फ़ोन को अनलॉक करते हैं और ये इसका प्रीमियम लुक है, बहुत ही शानदार लुक है। और इसे हम ओपन करते हैं, इसका क्या है। और ये हो गया है ओपन, तो अभी देखते हैं कितना देर में स्टार्ट होता है। वीवो 5G पावर्ड बाय एंड्रॉइड। और इसके साथ बॉक्स में इंफॉर्मेशन भी होते हैं जो कि मुझे नहीं मिल रहा था, अभी पीछे मिला है। और ये है 6 GB रैम, रोम 128 GB, मरीन ब्लू कलर है। और इसमें EMI नंबर भी होता है। और इसका मेन कैमरा 50 MP का है और 5000 mAh का बैटरी है। तो अभी खुल गया है, इसमें सारा सेटिंग करते हैं। और इंफॉर्मेशन जो कि है अभी बंद करता हूं।